एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रेल्स टू कनाडा। सबका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल्स टू कनाडा में। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर से वेलकम है ट्रेल्स टू कनाडा में। तो हम पहुँच चुके हैं गाइस यूकॉन यूनिवर्सिटी में और वेदर इज ओके, -20 के आसपास है। आपको व्यू दिखा देता हूँ क्या है। यूकॉन कॉलेज लिखा हुआ है यहाँ पर, बिकॉज ये पहले यूकॉन कॉलेज था, 1988 में ये स्टार्ट किया गया। अब ये बन चुका है यूकॉन यूनिवर्सिटी। एक कैंपस टूर करूँगा यूकॉन यूनिवर्सिटी का, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो यूकॉन में नए हैं या आना चाहते हैं या जिनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यूकॉन यूनिवर्सिटी के बारे में। उनको कई बार नहीं शो करता गूगल प्रॉपरली, तो मैं आपको थोड़ा सा एक राउंड और टूर दिखा दूँगा यूकॉन यूनिवर्सिटी का। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो गाइस ये है मेन एंट्रेंस, एक्सेसिबल पार्किंग, कैंपस हाउसिंग, डे केयर, शिपिंग रिसीविंग। तो फ्रेंड्स मेरी राइट साइड है स्टूडेंट रेजिडेंस, तो ये स्टूडेंट रेजिडेंस है 520 कॉलेज साइड। वो आप देख रहे हैं बड़ी बिल्डिंग, तो वो है स्टूडेंट रेजिडेंस, दैट्स द स्टूडेंट रेजिडेंस। और वहाँ पर लिखा है यूकॉन रिसर्च सेंटर, तो वो है यूकॉन का रिसर्च सेंटर। और आगे चेक करते हैं, शायद वो भी स्टूडेंट हाउसिंग है, चेक करते हैं जाकर। ये है यूकॉन रिसर्च सेंटर साउथ विंग, आपको दिखता होगा यहाँ पर दिखाता हूँ। ये है यूकॉन रिसर्च सेंटर और साथ में ये स्टूडेंट हाउसिंग। और ये है 600 कॉलेज ड्राइव, क्योंकि ये जो एरिया था और ये यूनिवर्सिटी थी पहले 1988 में स्टार्ट हुई यूकॉन कॉलेज से, 2020 में ये बनी यूकॉन यूनिवर्सिटी। आपको खाली खाली लग रहा होगा, लोग ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो अप्लाई करना चाहते हैं इंडिया से जो भी आना चाहते हैं। आई विल रिकमेंड इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, आपका 95% केसेस में आ जाएगा। तो ये भी मुझे स्टूडेंट रेजिडेंसी लग रहा है सर। पार्किंग, तो ये रेजिडेंस एरिया है, तो आगे कवर करते हैं। ब्यूटीफुल व्यू यार, मतलब क्या कहूँ यार, पूरा कनाडा देख लिया और ऐसा व्हाइट हॉर्स जैसी जगह कहीं नहीं है। तो ये है लेबोरेटरी, यूकॉन रिसर्च सेंटर की कलेक्शन लेबोरेटरी बोर्ड रूम। और आपसे कवर करते हैं क्या है वहाँ से, देखिए ब्यूटीफुल माउंटेन। ये आगे कैंपस हाउसिंग है, यहाँ पर शिपिंग रिसीविंग है, यूकॉन रिसर्च सेंटर है, स्टूडेंट रेजिडेंस है, कैफेटेरिया है, कैंपस हाउसिंग है। तो देखते हैं, एंट्रेंस है, कुछ ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कंपेयर करूँगा अरोड़ा कॉलेज से एंड ब्यूटी के। अभी चेक करते हैं क्या है। तो ये जो एरिया है, ये बैक साइड है इसका, बैक साइड जा रहा है एरिया। तो आज भी कवर करते हैं अब क्या क्या है, प्रोफेसर रेजिडेंस हो या स्टूडेंट रेजिडेंस हो, चेक करते हैं। वो घर भी है पीछे वाले, कुछ घर है पीछे, पार्किंग एरिया है और एक बहुत शानदार व्यू। ये भी एंट्रेंस है, आई थिंक मेन हॉल के एंट्रेंस है, बैक साइड से 7 एंड लिखा हुआ।
और एक रिसेप्शन लिखा हुआ है, आप कवर करते हैं। ठंड तो इतनी नहीं है, अगर हाँ अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहें तो ठंड लग जाती है। तो अभी तो मैं काफ़ी टाइम से बाहर हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है ठंड। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे को देखे बट दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहे हैं आपको कार में प्लग इन, तो इसके बारे में आपको बता दूँ थोड़ा सा। कार में प्लग इन क्या होता है बेसिकली कार में प्लग इन स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में कनाडा के लगाया जाता है। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गाड़ियाँ स्टार्ट ही नहीं होती, तो यहाँ पर स्पेशल कार में प्लग इन लगाए जाते हैं ताकि एक तो जो ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में रहे और बैटरी है जो वो चार्ज होती रहे ताकि सुबह जब आप गाड़ी स्टार्ट करें वो स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या है। यहाँ पर लिखा है एनर्जी सेंटर और शिपिंग एंड रिसीविंग रेट्स एंड टेक्निकल, तो वो एक वहाँ लिखा है एनर्जी सेंटर, वो सामने होगा वो दिखाता हूँ आपको। ये रिसर्च एरिया आ गया, एनर्जी सेंटर में भी कुछ रिसर्च वाला है और ये भी एक बैक एंट्रेंस है इसकी। अभी सारी यूनिवर्सिटी अभी बंद होगी, यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो अच्छा ये नीचे है आई थिंक शिपिंग एंड रिसीविंग। पार लेन लिखा है तो कैनेडा में रूल होता है पार लेन आपको पार्किंग नहीं करनी होती, तो लिखा नहीं पार्किंग। ये मैं बर्फ़ के ऊपर चल रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है और वॉच ये भी अच्छा ये है शिपिंग एंड रिसीविंग आप इसको। लगता नहीं यूनिवर्सिटी खुली है, बस हाँ कुछ ऑपरेशनल यूनिट्स कुछ काम कर रही होंगी। यहाँ पर देखो ये मुझे पता लगता है एनर्जी सेंटर ही है, ट्रक ओनली एनर्जी सेंटर लिखा है यहाँ। तो एनर्जी सेंटर में बेसिकली होता है जिसमें मेरे को नॉलेज है कि वहाँ पर रीजनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेंटर होगा एनर्जी सेंटर का। तो देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मैं रिवील नहीं करूंगा प्रॉपरली बट हाँ मैं एक कंपनी के लिए काम करता था, मैंने कहा छोड़ दिया है, और वो एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स बनाती थी। तो अभी मेरे पास न्यूयॉर्क सिटी का प्रोजेक्ट है और मेरे सिस्टम में मैं काम करता था, मैंने जॉब छोड़ दिया, तो मैं आपको बताऊँगा मैंने जॉब क्यों छोड़ी थी वो मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा। पर अभी आप देखिए कि कौन इंडस्ट्री आई थिंक मैं घूम कर वहीं आ गया हूँ, एक राउंड लगा दिया और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये तो एनर्जी सेंटर हो गया हमारा, मतलब ही कौन यूनिवर्सिटी का मैप हमारा, वो देखते हैं क्या है। अच्छा वो आर्ट सेंटर है, वो सामने लिखा हुआ आपको शायद दिखेगा ना, वो आर्ट सेंटर है। मैं वहाँ जाकर एक बार कवर कर सकता हूँ, वो कवर करके फिर वापस आता हूँ। ये लिखा हुआ आर्ट सेंटर स्टाफ पार्किंग, तो ये आर्ट सेंटर है। एक्चुअली कौन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा साइंस रिलेटेड कोर्सेज नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल वाइज ज़्यादा कोर्स नहीं है, ह्यूमैनिटी के कोर्सेज ज़्यादा होते हैं। तो बट हाँ अच्छा बनाया इन्होंने, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, अच्छा व्यू आ रहा होगा। बैकग्राउंड में मेरे शूज़ की आवाज़ आपको मदहोश कर रही होगी आई बिलीव। और दिल से शुक्रिया है, थैंक यू है उनका जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते जाइए ताकि किसी की हेल्प हो सके, एज ऑलवेज हमेशा मैं कहता रहता हूँ। और आपको दिखाते हैं एक और अमेजिंग व्यू।
मुझे हमेशा से माउंटेन पसंद है. आई वॉज बॉर्न इन टू माउंटेन्स. मेरा जो बर्थ है वो हिमाचल से है. सो मुझे माउंटेन्स हमेशा से पसंद आते हैं. लुक, ये पूरा यूकॉन और पूरा व्हाइट हॉर्स दिखेगा आपको यहाँ से. परसों की मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ. यहाँ से दिखाते हैं आपको, ये हमारा ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा. मैं दोबारा कोशिश करूँगा आने की. व्हाइट हॉर्स ये देखिए, ऐसा व्हाइट हॉर्स. अरे मैं आपको जैसे बोल रहा था कि मैंने इतना एरिया कवर किया, इतने शहर कवर किए, व्हाइट हॉर्स हमेशा दिल के करीब. मैं समझ में आने की कोशिश करूँगा. वो जो आप माउंटेन देख रहे हैं उसके बीच में और साइड में वहाँ पर यूकॉन रिवर है, वो यूकॉन रिवर जाती है वो सारी. तो गर्मियों में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर. और ये जो ड्राइव है इसको बोलते हैं माउंटेन ड्राइव. ये है माउंटेन ड्राइव. और वो जो सेकंड वाला रास्ता वहाँ जा रहा है वो है रेंज रोड. तो यहाँ से माउंटेन ड्राइव से क्रॉस करते 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 वो सारा डाउनटाउन है. और ये है इकॉन यूनिवर्सिटी. तो आपको इकॉन यूनिवर्सिटी थोड़ा सा दिखा के कवर करके रैपअप करते हैं. वो एक रेनबो ही बन ब्यूटीफुल प्लेस, परमात्मा के रंग, ब्यूटीफुल. तो हमेशा से थैंक यू जिन्होंने अभी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया. जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ ताकि किसी की हेल्प हो सके और ब्यूटीफुल कनाडा को एक्सप्लोर करता रहता हूँ. वाओ यार, मतलब वर्ड्स ही नहीं मेरे पास. थोड़ा सा और ये रैप करके कवर करते हैं. तो ये है हमारा आर्ट सेंटर. ये है आर्ट सेंटर यूनिवर्सिटी का. आर्ट सेंटर के बाद देखते हैं और क्या चीज़ें आती हैं. तो कोई चीज़ का वापस करते हैं. वो देखिए जेट प्लेन जा रहा होगा. वो जो माउंटेन दिख रहा है आपके सामने वहाँ पे एक टावर है. तो मुझे टावर दिख रहा है यहाँ से. फोन में कैमरे में शायद नहीं कैद हो रहा होगा, ये कैप्चर नहीं हो रहा होगा. तो ये था आर्ट सेंटर. आप रिसर्च सेंटर दिखा दिया, आपको रेजिडेंस दिखा दिया, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी मैंने. क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है. मैं अरोड़ा कॉलेज की बात करूँ येलो नाइफ का, वो बहुत छोटा है. वो उनका प्लान है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी कर देंगे उसको, अरोड़ा यूनिवर्सिटी या फिर येलो नाइफ यूनिवर्सिटी, समथिंग लाइक दैट. पर पता नहीं कब वो प्लान पूरा हुआ. बट हाँ, यूकॉन यूनिवर्सिटी 1988 में स्टार्ट हुई. अराउंड 1200 के या 1500 के आसपास उनके 1200 या 1500 के आसपास उनके स्टूडेंट्स हैं. और 1988 में स्टार्ट होकर 2020 में इनको इकॉन यूनिवर्सिटी बना दिया उसको. अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इकॉन यूनिवर्सिटी की वजह से, बनने की वजह से बहुत सारी माइग्रेशन होंगी और ये सिटी बहुत जल्दी ग्रो करेगा. यहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ, इंडियन है भाई. तो भाई के साथ स्टे कर रहा था कल, थोड़ी सी और सिटी में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा नहीं था. अरे बहुत ग्रो कर रहा है ये सिटी, बहुत ग्रो कर रही है. इकॉन आर्काइव्स, तो मैं वहाँ से मैंने एंटर किया था. वहाँ से एंटर करते करते यहाँ आया. इकॉन आर्काइव्स ये मेन हॉल है. तो वो रिसर्च सेंटर आपको दिखा दिया, यहाँ सेंटर दिखा दिया, स्टूडेंट रेजिडेंस दिखा दी. तो ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर दिया क्योंकि ज़्यादा कवर करने के लिए है नहीं जगह. और ये थी हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल इकॉन यूनिवर्सिटी. तो होप सो आप सबको अच्छी लगी हो ये वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो. क्योंकि ऐसा होता है कई बार जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कैंपस का नहीं पता होता. हाँ, ये इसकी फ्रंट एंट्रेंस है, देखो. छोटा सा गार्डन भी बना रखा है, ये आउटर गार्डन भी कर रहा है. अच्छा, यहाँ से वेट करते हैं थोड़ा सा. तो ये मैं बैक एंट्रेंस से गया था, ये मेन एंट्रेंस है. अच्छा, यहाँ से भी रास्ता है. यहाँ से जाता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, मैं चेक करता हूँ. जहाँ तो मैं तो डाउन टाउन की तरफ है. अच्छा, ये एक स्कल्पचर सा बनाया हुआ है बिल्कुल. तो अभी देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा चेक करते हैं. बर्फ बहुत है यार. ये लिखा हुआ कुछ बेला साइमो. अच्छा, जिसका
जिसका इन्होंने स्टैचू या स्कल्पचर बनाया हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं पढ़ने से बैठूँगा तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेला जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, होप से आप अच्छी हैं और ऐसे ही खड़े रहना, गिरना मत, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो बाय बाय बोलते हैं आपको और थैंक यू फॉर हैविंग अस टुडे, थैंक यू, बाय बाय। तो चेक करते हैं, यहाँ से मेरे को लगता है शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट के चक्कर में कई बार लॉन्ग कट भी पड़ जाता है, चेक कर लेते हैं। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यार, वाह, कहीं ग्लेशियर में ना पहुँच जाऊँगा, देखते हैं कौन से डर लगता। अरे यार क्या सही चीज़ है यार ये बनाई है, अच्छा आर्ट सेंटर है ना तो करके फॉरेस्ट, वाह अच्छा, मगर मैं यहाँ से जाऊँगा हो सकता है मैं गिर जाऊँ। अच्छा वो जा रहा है रोड, यहाँ से जाया जा सकता है यार, कुछ नहीं, पर व्यू चेक कीजिए गाइस, ब्यूटीफुल व्यू देखिए यार, क्या नेचर के कुदरत के रंग यार, वाह शांति, पूरी शांति। वैंकूवर घूमा, फिर से रश, ट्रैफिक, ये वो। ऑटवा देख लिया, ऑटवा जब मैं 2017 में आया था तो इतना रश नहीं होता था, मेरे को अच्छा लगता था ऑटवा। ऑटवा में 3 मंथ्स रहा, मैं बोर हो गया ऑटवा से, ऑटवा मेरे को पसंद नहीं आया। टोरंटो देखा हो तो कभी पसंद ही नहीं आया मेरे को। वैंकूवर ओके है क्योंकि वहाँ पर इतना हार्श वेदर नहीं होता, मेरे को वाइट हॉर्स से प्यार ही हो गया, मन करता है यहीं रुक जाऊँ, पर जाना पड़ेगा मुझे लगता है, देखते हैं, विल सी। तो गर्मियों में क्या होता है भाई बता रहे थे मेरे को, कहते कि गर्मियों में यहाँ से हाइकिंग के लिए जाते हैं लोग, भालू वगैरह बहुत नॉर्मल हैं यहाँ पर, भालू आ जाते हैं। चलो ट्राई करते हैं यहाँ से नीचे आने की, ओह हाँ यहाँ से जा सकता हूँ मैं, लॉन्ग कट मार के आया, ओह ये देख, ये ब्यूटीफुल। अब आई डोंट नो आपको स्नो फ्लेक्स दिख रहे हैं कि नहीं, ये स्नो फ्लेक्स उड़ रहे हैं, कैमरे में अगर कैद हो रहे हो तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, और वो रेनबो दिख रहा होगा शायद आपको अगर कैमरे में कैद हो रहा है। तो इतनी प्योर एयर, फ्रेशनेस और ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, आई थिंक ये ब्यूटीफुलनेस और ये ब्यूटी आपको कहीं और कैमरे में शायद मिले। तो गाइस ये था आज का टूर इकॉन यूनिवर्सिटी का, होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, और एज आई ऑलवेज हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, हिट कर दीजिए बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच सके, और ऐसे ही वीडियोज़ अमेजिंग व्यूज़ के लिए आप हेलो हाउ आर यू डूइंग, सॉरी फॉर दैट, नाइस डे, नाइस, या आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग, या थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो ऐसे ही वीडियोस को कैप्चर करने के लिए और ऐसे व्यूज़ को देखने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को गाइस, ये एक बंदा मिल गया था, कनाडा की अच्छी बात बताता हूँ जो शायद मैंने कभी कैप्चर नहीं की हो, कह रहा हूँ आपको लोग अगर जानते भी नहीं हैं तो भी आपके साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपने देख लिया कैसे होते हैं, तो मेरे को जानता नहीं है वो, बट देखो कितने प्यार से बात करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक हेल्पफुल वीडियो लोगों के लिए। आप सबसे फिर से विनम्रता से विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार हेल्प कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बाय।